देश में बढ़ते बर्ड फ्लू को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन कर दिया है और बताया है कि अभी पूरे प्रदेश सहित जनपद में कहीं भी बर्ड फ्लू का मामला सामने नहीं आया है। जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए जिलाधिकारी के विजय पांडेय ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी बर्ड फ्लू रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन एहतियात के तौर पर जिले में टास्क फोर्स का गठन किया गया है और मॉनिटरिंग कराई जा रही है। जिलाधिकारी के विजय पांडेय ने कहा कि दक्षिण भारत में कुछ जगह बर्ड फ्लू का रिपोर्ट हुआ है, जिसको देखते हुए शासन द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिलाधिकारी के विजय पांडेय ने कहा कि बर्ड फ्लू से किसी को डरने की जरूरत नहीं है, जनपद में कहीं भी कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, जनपदवासी चिंता ना करें और निश्चिंत रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए जिलाधिकारी के विजय पांडेय ने कहा, देखिए उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल बर्ड फ्लू कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ है, फिर भी हम लोग एक टास्क फोर्स गठन किए थे। टास्क फोर्स के जरिए से खासतौर पे जो वैसे जगह है हम लोग उसका चेक भी करेंगे। खासतौर पे माइग्रेटरी बर्ड्स इसी मौसम पे आ जाती है, बाहर से विदेशी पक्षियां हैं, उसी के वजह फैलने की आशंका होता है। कहां कहां किस तालाब में होगा वहां है, उसी का हम लोग सैंपल चेक करेंगे। उसके अलावा पोल्ट्री होम्स में भी चेक करेंगे, जाँच करेंगे और किसान को भी उसी के बारे में जानकारी देंगे ताकि उसे कैसे पहचानेंगे और क्या है। फिलहाल दक्षिण भारत में रिपोर्ट हुआ है कुछ जगह और हम लोग फिर भी अलर्ट मैसेज आ गया शासन के स्तर से, टास्क फोर्स उसका गठन हो गया। इसका पुलिस विभाग, राजस्व विभाग और पशुपालन विभाग और स्वास्थ्य विभाग सभी लोग मिलकर के एक अभियान के तौर से चलाएंगे और फिलहाल आप किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ फिलहाल कहीं भी कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, यदि कुछ होता है तो फिर हम उसी हिसाब से आपको बता देंगे, फिर उसका बचाने के लिए कार्रवाई भी जो कैसे करना है वो हम आगे बढ़ाएंगे, उसको आप चिंता मत करें निश्चित रूप से।